सादगी पूर्ण तरीके से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कोरोना काल के चलते बालाघाट जिले में सादगी पूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना महामारी के कारण किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में भी इसका असर देखने को मिला। रैली, जुलूस और किसी सभागृह में कार्यक्रम पर बंदिश के चलते आदिवासी बंधुओं ने अपने आराध्य बड़ा देव की पूजा के बाद जिला अस्पताल में रक्तदान कर वहां भर्ती मरीजों को फल वितरण किए, साथ ही पर्यावरण के रक्षार्थ वृक्षारोपण भी किया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोरराम ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की अपील देश के सभी राज्यों से की थी, किंतु आज तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं किया गया है। आज के इस मौके पर हमारी चिंता करना तो दूर, पीएम, सीएम और अन्य बड़े नेताओं की ओर से शुभकामना संदेश तक नहीं भेजा गया। प्रीतम सिंह उइके, जिला प्रवक्ता मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज 9 अगस्त, सबसे पहले तो 9 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है परिषद के माध्यम से, कि आज रक्तदान सबसे बड़ा दान, रक्तदान किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, साथ में ही आज कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल से लड़ने के लिए जो मास्क नितांत आवश्यक है उस मास्क का वितरण कर रहे हैं, और अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उन लोगों को हम फलों का वितरण कर रहे हैं। आज ये देखा गया है कि जैसे जिस तरीके से कमलनाथ सरकार के द्वारा 1 लाख रूपये देने की घोषणा की गई थी, बात सत्य है कि आज सरकार में फर्क है। हमने पिछले वर्ष जब 9 अगस्त मनाया गया था उस समय में सरकार का भरपूर सहयोग मिला था। आज तो हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी शुभकामनाओं से भी वंचित है। बताइए, आज ये जो समाज है, पूर्व का समाज, सबसे पुराना समाज, आदिकाल से निवासरत समाज, ये आज इन बड़ी हस्तियों के भी शुभकामनाओं के लिए तरस रहा है, तो ये बताइए कि हम लोगों को ये कैसी सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा दुख का विषय है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने बलबूते पे अपने नियम कानून कार्यों की रक्षा करते हुए, ताकि उनको हमारे को जो मिलने वाले जो संविधान के तहत जो हमारे को अधिकार मिले उनको हमको वंचित न करें। इसके लिए यह हमारे सदैव ये हम लोग समाज हमारा तत्पर और तैयार रहता है इसके लिए लड़ने के लिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।